Small question from me to Waris Pathan, and Waris Pathan will listen to the question and for the first time in his entire life answer a question. You see, Waris Gaurav comes with a speech. He makes a speech and he goes. He has never answered a question in his whole life, but today he will. Waris Pathan, aapke boss Owaisi kehte hai, kanoon ko jo hai usko follow karna padega. कानून जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा तो मैं भी चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी CAA के बारे में इसी तरह से कहे क्योंकि CAA हैज बीन पास्ड बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. डोंट बी अ हिपोक्रेट वारिस पठान. यूनिफॉर्म सिविल कोड enshrined in article 44 of the same constitution which you selectively quote is the law. Follow the law. Mr. Owaisi should also speak in support of triple talaq bill, anti triple talaq law passed by parliament, assented to and signed on by the president of India. Idhar udhar mat dekho Waris, phas gaye ho aap kyunki aap to law breaker ho. You are a professional breaker of the law. आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं हम 80, हम 15, तुम 85, हम 20, तुम 80. दो मिनट के लिए पुलिस हटा दो, दिखा देंगे हर जगह में शाहीन बाग बना देंगे. वारिस पठान, पहले तो ये एडमिट करो कि यू आर अ हिपोक्रेट. लॉ का नाम मत लीजिए, लॉ का तो जो मत दिखाइए आप इधर, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे. और ये भी मुझे बताइए कि शाह आलम मॉस्क हैज बीन रिस्टोर्ड. शाह आलम मॉस्क हैज बीन रिस्टोर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. जिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आप गाली देते हैं, जिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर आप शक की नजर से आप देखते हैं, याद करिए 2009 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उसी वक्त अहमदाबाद सब सर्कल में शाह आलम मस्जिद रिस्टोर की गई थी और वही एसआई ने की थी. जवाब दीजिए, इधर उधर मत देखिए, हंसने से कुछ नहीं होगा. यू आर बुरे फंसे, आप बुरे फंसे हैं क्योंकि आप झूठ बोल के निकलने की कोशिश कर रहे हैं. देखो सुनिए अर्णव गोस्वामी, नहीं नहीं सुनिए अर्णव, ये सब बोल के आंसर ऑन फैक्ट, तथ्यों पे जवाब, तथ्यों पे जवाब दो. तथ्यों पे जवाब, एक्सटेंड टू मी द सेम कर्टेसी व्हिच यू एक्सटेंडेड टू गौरव. तथ्यों पे जवाब, कर्टेसी बहुत एक्सटेंड करूंगा, तथ्यों पे जवाब. Truth is that the country will run on the constitution. Yes, speech. And not on the faith. Yeah, bhashan. Yogi Adityanath took oath on the constitution. He became the chief minister of Uttar Pradesh. So Article 44 is in the constitution. Article 44 is in the constitution. Waris Pathan losing the debate. Allahabad High Court. On 3rd of August, debate ko haarte hue Waris Pathan. So if sub judice is your argument, then why did Owaisi speak when the Ram Mandir verdict was not even delivered? बोलो बोलो बोलो, फालतूगिरी तुम करो, फालतूगिरी तुम करो. मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बात. नहीं, आपसे पूछ रहे सब जुडिस. वारिस पठान, अरे तुम चुप बैठो, तुम क्या मेरी बात का जवाब देगा? अरे चुप बैठो तुम पहला. हाँ, तुम इतना बकवास किया 15 मिनट, किसी ने सुना नहीं, मैं खामोश बैठा था. अब मेरा टर्न है, चुपचाप सुनने की ताकत रखो ना. अरे 15 करोड़ गया. अरे चलो जाओ, 15 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है बोलने वाला, इतनी जल्दी उखड़ गया. पकवा छोड़ो, चलो छोड़ो. गणपति बप्पा मोरया, आगे बढ़ो, गणपति बप्पा मोरया. मुझे साइलेंट, मुझे बोलने मिलेगा तो बोलेगा. देखिए नहीं, देखिए वारिस पठान, माय क्वेश्चन टू यू इज दिस. अरे 15 करोड़ है, 100 करोड़ ओके, गौरव गौरव स्टॉप हैकलिंग. माय क्वेश्चन टू वारिस इज दिस. वारिस, आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड आई थिंक इट बिकम्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन बीइंग द फॉलोइंग, प्लेसेस ऑफ वर्शिप बैग कब आया था बताओ? Waris is asking you. जजमेंट है आपका वारिस भैया, या असदुद्दीन ओवैसी का कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट है? Waris louder. I am not interested in answering to any of the questions. I am not interested in answering to any of your questions. Allow me to make my point. It's a serious issue, Arnab. But why won't you answer my question? Was made to ensure that such kind of thing does not come past law.
by the parliament. No, no, I believe in the spirit. Do you, are you believe in the spirit of the constitution? You call yourself a lawyer. You call yourself a lawyer, Supreme Court lawyer. You call yourself a Supreme Court. You don't have a decency to listen to the other side. You don't have the decency to listen to the other side. You take the support of Arnab. You take support of Arnab when you come. No, I'm not supporting anyone. 1 minute, what is? I'm not supporting anyone. I'm asking a crazy. Don't allow us to make. One. You allow me to make my point. Let's not have a crazy situation on the debate where we are fighting point. With each other like this. Let's not have a crazy situation on the debate. Channel, yes. Calm down. I want to bring back sanity on the debate. Listen to me. Allow me to make what my is, point. What is one simple question? You have to answer my question. I am Swami Vivekananda. No, my name is Swami. Why are you not answering a single question today? What happened to you? I am quoting Swami Vivekananda. Question on CA. You don't allow me. Why are you not allowing me? Why are you not allowing me? Because you're not answering a question. That's why I'm not allowing you. Volume 7, when he said, you come prepared. Jagannath Puri, the temple which is made now, earlier was a Buddhist mutt. Will you repeat the history there? That RSS chief Mohan Bhagwat said, after Babri, we will not won't go after Kashi and Mathura. Now, why Yogi has come forward before the nation and said, there is something better pending before the court? I would like the Allahabad High Court to take cognizance of this and say that yes, he was wrong. Are meri baat karao, tum chup baitho, yaar tumhara tan ho gaya. Tumhara tan nahi aane wala, dar kyun rahe ho meri baat se? Dar kyun rahe ho? Are kya tum Babri Masjid ko to humne awal jasa diya? 6 December was the black day in the democracy of our country. Aapne isi tarah conspiracy kiya. You are a conspiracy. Gaurav, I now want to call in Zubair Mehman and Shantanu Gupta. Two versus two into this very hot debate tonight. Can Mr. Oasis in the parliament that he has Zubair Mehman. The validly passed Zubair Mehman. Zubair Mehman. शहीद कर दिया आज 400 साल से नमाज हो रही है 400 साल से नमाज हो रही है कोर्ट ने कहा नमाज अलाउड करो कोर्ट ने कहा वजू खाने के अंदर इजाजत नहीं अर्णब इनसे पूछिए औरंगजेब को आइडियलाइज क्यों करते हैं व्हाई इज इंटेंशन क्या औरंगजेब इज हीरो आई वांट टू आस्क दैट व्हाई इज औरंगजेब योर हीरो सर्वे औरंगजेब व्हाई नॉट एपीजे अब्दुल कलाम अरे तुम नो आई एम आस्किंग यू व्हाई इज योगी हीरो अरे तेल लेने तेल लेने तो तुम्हें गन कंट्री जाना होगा भैया अरे उसके हम तो सोलर एनर्जी पर चल रहे हैं तो उसके एसएसपी को उसने योगी जी इज अ हीरो फॉर एवरीवन और तभी तुम लोगों की छाती में आग लग रही है कांस्टेबल ट्रेन में मुसलमानों को क्या हो रहा है क्या आपने अगर गुम्मा उठा के मारोगे तो घर बुलडोज करके खत्म हो जाएगा गोली मार देता है एंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे दंगे नहीं होने देंगे एंड पीपल हु से 15 करोड़ है 100 करोड़ पे भारी है They will be put behind bars. अरे वो छोड़ो योगी जी ये कह रहे हैं को गोली मारो जितने गुंडे हैं जो कहते हैं 15 करोड़ है 100 करोड़ पे भारी है उनको जेल की सलाखों के पीछे आई थिंक वी आर डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ आई वांट टू कम टू द स्ट्रेट क्वेश्चन